हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स, जिसकी काउंसलिंग आज मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाली है एट 10 AM एट JKVOP ऑफिस। और रात को मैंने ये वीडियो अपलोड करना था अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं इसको रात को अपलोड नहीं कर पाया वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही, डैट इज़ कि जो ओपन मेरिट है उसमें कोई भी सीट अभी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो प्राइवेट में तो सीट्स की अवेलेबिलिटी है फॉर द FM PSW कोर्सेज, ठीक है। और बाकी जैसे कि आपको पता ही कि MM PSW में तो कोई भी गवर्नमेंट में सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही होते हैं। वेरस FM PSW कोर्सेज में ओपन मेरिट में अभी भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। हाँ, कैटेगरी में सीट्स आर अवेलेबल अप्रॉक्सीमेटली, कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 250 सीट्स आर स्टिल वेकेंट। अगर मैं SC ST की बात करूँ तो SC में स्टिल दे आर हैविंग 44 सीट्स आर देयर, एंड आपकी ST में 54 सीट्स आर स्टिल देयर फॉर टुडेज काउंसलिंग। OSC की अगर हम बात की जाए तो OSC में 25 सीट्स, ALC में 30 सीट्स, RBA में 37 सीट्स, CTP में 23 सीट्स, SP में 16 सीट्स, आपका JKPM में 8 सीट्स एंड PSP में 13 सीट्स आर दे आर हैविंग। और बाकी जो कॉलेजेस हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली हर एक कॉलेज में कैटेगरी की सीट्स आर अवेलेबल। बस आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप पर्टिकुलर कोई कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी अभी भी शो हो रही है। जैसे अगर मैं RBA की बात करूँ, RBA में आपका कहीं सारे कॉलेजेस में सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखा रहा, ठीक है। यहाँ पर 000 सीट्स बता रहा है। बाकी कुछ कॉलेजेस में हैं, डोडा में इसमें सीट है, गांधीनगर में है, कठुआ में है, तो यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर जैसे दिखा रहा है। अब आप इस सीट मैट्रिक्स को देखिएगा, और जो भी काउंसलिंग फॉर्म है उसमें आप अकॉर्डिंग टू दिस सीट मैट्रिक्स आप अपनी प्रेफरेंस भरिएगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे सीट्स की कम अवेलेबिलिटी है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, तो लास्ट में एक दो कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं उनका ऑप्शन भी आप भर लीजिएगा एज द बैकअप। अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक फ़ीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑलमोस्ट डिग्री इक्वलेंट ही होती है, उसमें कोई इशू नहीं आता। बाकी रही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात, तो वहाँ पर भी अब सीट्स फिलअप होना स्टार्ट हो गई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पास 3 ईयर से एक्चुअली ये मैं जो चैनल रन कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, 3.5 ईयर्स से, और मोर देन 700 वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ, जो कश्मीर डिवीज़न के जो भी कॉलेजेस होते हैं, एक तो उनमें कंपटीशन बड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न, क्योंकि और वो सबसे जल्दी फिलअप होते हैं। मेडिकल की बात की जाए, मेडिकल के जितने भी कोर्सेज होते हैं मोस्टली उनमें सबसे पहले कश्मीर डिवीज़न के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट तो होते ही होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी वेरी फास्ट दे आर गोइंग टू बी फिलअप दे आर सेलेक्टेड बाई द कैंडिडेट्स। तो उन पर कॉम्पिटिशन हायर साइड पर रहता है। अगर आपको कश्मीर डिवीज़न में कॉलेज नहीं मिल रहा, और अगर आपको जम्मू डिवीज़न में कॉलेज मिल रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर द जम्मू डिवीज़न कॉलेज ऑल्सो। हाँ, थोड़ा सा आपको ये है कि रहने की दिक्कत हो सकती है। कई लोग मुझे PG के लिए पूछते सर, वहाँ पे हॉस्टल और भी हॉस्टल फैसिलिटी के लिए पूछते थे। हॉस्टल फैसिलिटी या PG फैसिलिटी वो डिपेंड करता है आपका कॉलेज टू कॉलेज। वन सेकेंड, वो आपका डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। वहाँ पर अगर कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो दे कैन प्रोवाइड यू द कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी। अगर नहीं होगी तो फिर आपको बाहर जाकर PG में उसकी अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको कंसर्निंग कॉलेज में आपको जाके पूछना पड़ेगा। बाकी रही एडमिशन्स आपको कब लेनी है, वो जब आप काउंसलिंग में जा रहे हो तो आप एक बार JKVOP वालों से पूछ लेना कि हमें नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा या हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी के बेसिस पे हम कॉलेज में जाके एडमिशन ले लें। मतलब आज अगर आज काउंसलिंग हो रही है तो हम आज ही जाकर या
कल जाकर हम एडमिशन ले लें। ये आप जेके वोपी ऑफिस में काउंसलिंग के टाइम पे ही पूछ लीजिएगा जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, अदरवाइज़ उनको पूछ लीजिएगा। अगर वो बोलते हैं आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, फाइनल नोटिफिकेशन का, जिसमें पूरी लिस्ट आती है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, तो फिर आपको फिर वो उस नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। वो आपको थोड़े दिन का, 4-5 दिन का टाइम देंगे कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन करवाने का। बाकी अपडेट में भी मैं भी अपने चैनल पे आपको देता रहूँगा ऑन टाइमली बेसिस। अगर आपने ये वीडियो अपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेके कैंडिडेट्स। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है जो मैं रन कर रहा हूँ ऑन स्पेशली फॉर द जेके कैंडिडेट्स। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी मेंशन किया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ऑन डेली बेसिस। बाकी आप जैसे ये जो जम्मू डिवीजन के जितने भी कॉलेज हैं आप इनको देखोगे, ये हाईलाइट हुए हैं। हाईलाइट का मतलब ये है कि इनमें एडमिशन्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं, लोगों ने इनको ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे सीट्स फिलअप होना स्टार्ट हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, क्योंकि MM PSW तो है ही प्राइवेट में, वो गवर्नमेंट में तो है ही नहीं। तो FM PSW में भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ऑप्ट कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूट्स को। तो अगर आज आपको नहीं मिल रहा अपना नियर बाय कोई भी कॉलेज, यू कैन गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में कंसर्निंग कॉलेज ही आपको बताएगा, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में कंसर्निंग कॉलेज ही आपको बताएगा, और एडमिशन कब करानी है, नोटिफिकेशन का वेट करना है, या यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द यू कैन यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, और यू कैन गो डायरेक्टली टू द कॉलेज फॉर द एडमिशन। यू दिस विल गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड यू बाय द जेके वोपी ऑफिशियल्स, यू कैन आस्क देम रिगार्डिंग दिस। ठीक है, बाकी ये तो जम्मू डिवीज़न के आपको दिख रहे हैं सामने। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आ गए आपके कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस, तो आप ये इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कई सारी एडमिशन्स स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका ये देखिए, काफ़ी सारे कॉलेजेस में लोग इनको ऑप्ट करना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। अब ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अनंतनाग का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसमें अनंतनाग में FM PSW की 50 सीट्स हैं, ठीक है, और लोगों ने अभी इसको ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो 33 सीट्स खाली रह गई हैं, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17 सीट्स दे हैव फिल्ड येस्टरडे, टिल येस्टरडे, ठीक है, आज का तो पता नहीं लेकिन टिल येस्टरडे। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि कश्मीर डिवीज़न में लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी ऑप्ट कर रहे हैं और काफ़ी फास्ट उसको ऑप्ट कर रहे हैं, और वो फिलअप भी बड़ी जल्दी होंगे एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न कॉलेजेस। ये देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी है ये ऑप्ट करने शुरू हो गए हैं। बाकी इसका जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इसका, ताकि आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके इसको सीट मैट्रिक्स को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी टाइम अवेलेबिलिटी है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होनी है 10 बजे। तो थोड़ा सा मैं डिले हो चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट, सम टेक्निकल इश्यूज़ में इसको रात को अपलोड नहीं करवाया इस वीडियो को, तो मैं आज सुबह ये मॉर्निंग में ये अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, और भी जो कॉलेजेस हैं ये इनमें भी जो सीट्स हैं वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। टोटल सीट्स की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली कश्मीर डिवीज़न में जो टोटल सीट्स आ रही है प्राइवेट की, वो 2600 के नियर अबाउट आ रही है, और जम्मू कश्मीर डिवीज़न में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो आ रही है 6929। ये टोटल सीट्स का सिनेरियो है, और कैटेगरी में अभी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो FM PSW की जो सीट्स अभी भी वैकेंट दिखा रहा है वो 250 के अराउंड रह रही हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में वो सीट की अवेलेबिलिटी है और कौन से कॉलेज में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसको को ध्यान रखना पड़ेगा। कॉलेज चेंज करने की बात भी मेरे को कई सारे मैसेजेस आ रहे थे, कॉलेज चेंज करने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। अगर उस अपग्रेडेशन के टाइम पर जो आपको कॉलेज चाहिए उसमें सीटें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और फीस का तो कोई इशू नहीं, फ़ीस टोटली रिफंड हो जाती है, आपकी फ़ीस कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप कॉलेज को अपग्रेड करते हो तो। तो फ्रेंड्स, यही था अभी तक का लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नए सीट मैट्रिक्स के साथ, दैट इज़ फॉर द 3rd ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच।